हेलो, वेलकम टू निदान द सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम लोग बजट के जो जो की हाइलाइट्स हैं, जो कि आपके कोई से भी स्टेट का पीटी हो या फिर एसएससी हो या वन डे एग्जाम जितने भी होते हैं, उसके लिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सिर्फ वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और उनको क्वेश्चन फॉर्मेट में भी थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका, ये याद रखिएगा कि बजट जो है ये 2020-21 का है, ठीक है, क्योंकि आपका इकोनॉमिक सर्वे जो आता है वो आएगा आपका 19-20 का, और ये बजट जो आएगा ये 2021 का। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस बजट की थीम क्या थी। तो थीम क्या थी, एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग सोसाइटी। ये भी काफ़ी बार पूछता है कि बजट की थीम क्या थी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि हमारा रिवेन्यू जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है और कहाँ को जा रहा है। तो हम देखते हैं कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा मतलब हमें रिवेन्यू आता है वो आता है हमारा बोरोइंग से, और फिर उसके बाद मतलब जो हम लोग लोन वोन टाइप से लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा कॉरपोरेट टैक्स और जीएसटी, इन दोनों का बराबर बराबर है। ये जो पैसे में लिखा है एक तरह से 100 ये परसेंटेज में भी कंसीडर कर सकते हैं आप इसे। उसके बाद जो पैसा आता है वो आता है इनकम टैक्स से। उसके बाद जो पैसा आता है आपका वो नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू में जैसे कि आपका फाइन्स हुए या फिर कोई नॉन डेब्ट क्रिएटिंग इस तरह की चीज़ें हुई, फाइन्स और इस तरह की चीज़ें आती मेनली इसमें। और फिर उसके बाद जो आपका देखते हैं, उसके बाद आता है आपका एक्साइज। एक्साइज जो होता है आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे लगता है। फिर उसके बाद आता है कस्टम्स। तो काफ़ी बार इन चीज़ों में, इन दोनों में कन्फ्यूज होता है कि एक्साइज ज़्यादा है या कस्टम। तो याद रखिएगा एक्साइज ज़्यादा है। तो यदि इनका क्रम पूछ लेगा तो अब आपको याद रहेगा सबसे ज़्यादा बोरोइंग से, फिर उसके बाद जीएसटी और कॉरपोरेट टैक्स से, उसके बाद इनकम टैक्स, उसके बाद एक्साइज और उसके बाद कस्टम। इन मेनली इन पाँचों में से पूछता है। उसके बाद कि जो हमारा पैसा आ रहा है वो जा कहाँ कहाँ को रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा पैसा जाता है वो हमारा जाता है स्टेट के डिवोल्यूशन में, स्टेट को देने के लिए। जैसे कि हमें पता है कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करती है कि कितना स्टेट को, सेंटर के फंड से स्टेट को जाना चाहिए। जैसे अभी 42% रिकमेंड किया था लास्ट 14 फाइनेंस कमीशन ने, तो ये 20% उसमें जाता है। उसके बाद 18% जो हमारा इंटरेस्ट रेट, जो हम लोन ले रखे हैं दुनिया डिफरेंट कंट्रीज से या कहीं से भी मार्केट वर्केट से, तो उसके इंटरेस्ट पेमेंट के लिए जाता है। उसके बाद जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जिसमें 100% जो कंट्रीब्यूशन होता है वो सेंटर का होता है। उसके बाद जो आता है वो फाइनेंस कमीशन जो अदर ट्रांसफर के लिए रिकमेंड करती है उसके लिए जाता है। उसके बाद हमारा आता है सेंट्रल स्पॉन्सर। सेंट्रल स्पॉन्सर में होता है कि जो नॉर्मल स्टेट होती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के अलावा स्टेट जो होती हैं, उनमें 40% तो जो होगा वो स्टेट देगी और 60% जो होगा आपका सेंटर देगी। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के केस में 90% सेंटर देता है और 10% स्टेट देती है नॉर्थ ईस्ट वाली। उसके बाद जो हमारा एक्सपेंडिचर अदर एक्सपेंडिचर हुआ, उसके बाद डिफेंस एक्सपेंडिचर हुआ, पेंशन में भी हमारा 6% चला जा रहा, सब्सिडीज में भी 6% चला जा रहा। तो इनका क्रम पूछ लेगा कि सबसे ज़्यादा हमारा जो रिवेन्यू है वो कहाँ, मतलब जो हमारा इनकम है वो कहाँ चली जाती है। तो याद रखिएगा कि स्टेट के शेयर में चली जाती है। उसके बाद इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका फिस्कल डिफिसिट कितना है या रिवेन्यू डिफिसिट कितना है। तो आप याद रखिएगा मेनली तो फिस्कल डिफिसिट से ही पूछेगा। तो उसका हमारा फिस्कल डिफिसिट कितना है, 3.8% और 19-20 के लिए, और 2020-21 के लिए कितना है, 3.5, और यदि हम रिवेन्यू डेफिसिट देखें तो 2.4 और 2.7। तो बस आप इन दोनों चीज़ों का याद रखिएगा, 2019-20 और 2020-21 का। अब अगला किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा रिवेन्यू हमारा कम है और हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो उसको हम भरपाई के लिए जो लोन लेंगे या लेंगे उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, मतलब हमारा पैसा कहाँ से आएगा, वो डेफिसिट जो है वो याद रखिएगा वो हमारी स्मॉल सेविंग स्कीम जो गवर्नमेंट चलाती है उसके थ्रू आएगा, स्मॉल सेविंग स्कीम्स के थ्रू। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है, ये पूछ सकता है कि किसान रेल क्या है। तो किसान रेल ये है कि जो हमारा फार्मर्स का इतना ज़्यादा लॉस हो जाता है, मतलब पेरिशेबल, जैसे बिल्कुल ख़राब हो गए, मीट खराब हो गया, फिश खराब हो गई, तो उसके लिए जो हमारा प्रोडक्शन है उसको एकदम कंज्यूमर तक पहुँचाने के लिए ये रेल इस्टेब्लिश बनाई जाएंगी। और इसमें क्या है, स्पेशल कोचेज रहेंगे, उनमें क्या होगा आपका रेफ्रिजरेटर फैसिलिटी रहेगी, मतलब एक ठंडे ताप, मतलब जिससे कि क्या होगा वो जल्दी से ख़राब नहीं होगी। उसी तरह से आपका कृषि उड़ान क्या है, कृषि उड़ान भी इसी चीज़ के लिए है कि आपका जल्दी से जल्दी जो हमारा पेरिसेबल गुड्स है वो हवाई, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो उसका
कंज्यूमर है उसके थ्रू तक पहुँचे, और ये इंटरनेशनल और नेशनल रूट दोनों के दोनों कवर कर जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जैविक खेती पोर्टल। तो जैविक खेती पोर्टल क्या है? ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसके थ्रू आप ना जो ऑर्गेनिक, जो हम आजकल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उसको मार्केट को स्ट्रेंथन करने के लिए स्टार्ट किया गया है। उसके बाद हमारा एक अगली स्कीम आती है, ये पूछ सकता है कि विलेज स्टोरेज स्कीम किसके मतलब थ्रू होगी। तो याद रखिएगा ये आपके जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उसके थ्रू ये स्पॉन्सर कर जाएगी। इसमें क्या होगा, जो आपका स्टोरेज फैसिलिटी का चैलेंजेस फेस करते हैं फार्मर्स, उसके लिए क्या करेंगे ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, इसके लिए गवर्नमेंट इनको लोन प्रोवाइड करवाएगी और या इजीली फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी, जिससे जिसके कारण ये लोग स्टोरेज फैसिलिटी डेवलप कर सकें। अगला हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि गवर्नमेंट ने कब तक का टारगेट रखा है कि ट्यूबरकुलोसिस को या टीबी को कब तक ख़त्म करना है? तो ये आपका टारगेट रखा है 2025 तक। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि बजट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी प्रपोज करी गई है? तो याद रखिएगा एक पुलिस यूनिवर्सिटी प्रपोज करी गई है, दूसरा फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी प्रपोज करी गई है। उसके बाद पूछ सकता है कि IND सेट क्या है? तो याद रखिएगा ये जो एशियन और अफ्रीकन स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट मतलब उनको इस तरह से कुछ इंसेंटिव या कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है कि वे लोग इंडिया में पढ़ने के लिए आएँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो याद रखिएगा ये पूछ सकता है IND सेट क्या है, पूछ सकते ऑप्शन दे देगा कि सैटेलाइट है या क्या, जैसे SAT लगा हुआ तो नॉर्मली लोग सोचेंगे सैटेलाइट है या कुछ और कुछ ऑप्शन दे देगा। तो ये क्या है कि जो अफ्रीकन और एशियन स्टूडेंट है वो लोग इंडिया में आगे पढ़ें उसके लिए प्रोग्राम चलाया जाएगा। उसके बाद पूछ सकता है कि आपका इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस सेल क्या है? ये तो सिंपल है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए एक पर्टिकुलर बॉडी बनाई जाएगी जिससे कि क्या होगा आपका इन्वेस्टमेंट इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आए। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि बजट में कितनी स्मार्ट सिटी प्रपोज करी गई हैं? तो कितनी स्मार्ट सिटी प्रपोज करेंगे बजट में? 5 स्मार्ट सिटी प्रपोज करी गई हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि निर्वीक क्या है? तो निर्वीक क्या है, आपका जो एक्सपोर्ट है एक्सपोर्ट को प्रमोशन के लिए निर्वीक है। तो ऑप्शन देगा निर्वीक किस चीज़ से रिलेटेड, किस चीज़ से रिलेटेड स्कीम है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, किसी कोई कंपनी इस्टेब्लिश करने से रिलेटेड है। तो याद रखिएगा एक्सपोर्ट प्रमोशन से रिलेटेड है। उसके अलावा पूछ सकता है कि कौन सा हाईवे प्रपोज किया गया, एक्सप्रेस वे प्रपोज किया गया बजट में? तो याद रखिएगा चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेस वे प्रपोज किया गया बजट में। उसके अलावा हम देखते हैं कि रेलवे में क्या क्या प्रपोज किया गया। तो रेलवे में इस बार हाई स्पीड ट्रेन बिटवीन मुंबई और अहमदाबाद के बीच में प्रपोज करी गई है। उसके अलावा हम देखते हैं इसमें, उसके अलावा 150 पैसेंजर ट्रेन जो हमारे स्टेशन हैं 4th स्टेशन का डेवलपमेंट होगा और 150 ट्रेनें चले जाएंगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पे। तो ये पूछ सकता है कितनी ट्रेनें, जैसे वन डे एग्जाम में पूछ लेता है कि कितनी ट्रेनें इस बार PPP मॉडल से स्टार्ट करी जाएंगी, तो कितनी 150 ट्रेन स्टार्ट करी जाएंगी। उसके बाद आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि अर्थगंगा क्या है? तो अर्थगंगा क्या है कि रिवर्स के जो बैंक हैं उन पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे PM जो है उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था अर्थगंगा कॉन्सेप्ट। तो याद रखिएगा इसे भी। फिर अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि उड़ान स्कीम के अंदर कि कितने एयरपोर्ट को प्रपोज किया गया? तो कितने एयरपोर्ट को प्रपोज किया गया और उड़ान स्कीम के अंदर ये है 100 मोर एयरपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बात करी गई है, उनका डेवलपमेंट होगा 100 से भी ज़्यादा होगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नेशनल ग्रिड गैस ग्रिड है उसका एक्सपेंशन कितने तक कर दिया गया? तो पहले हमारा अभी तक था 16,200, तो ये कितने तक प्रपोज्ड है, इस 27,000 करने की बात करी जा रही है अगले फाइनेंशियल ईयर में। अगला हमारा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा? तो ये मिनिस्ट्री के अंदर आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर, और याद रखिएगा इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। उसके अलावा फिर अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि बजट में कौन कौन सी साइट पे ऑन साइट म्यूजियम प्रपोज किया गया? तो कौन कौन सी साइट पे म्यूजियम प्रपोज किया गया, ये आपका राखीगढ़ी हरियाणा में, हस्तिनापुर यूपी में, शिवसागर असम में, धोलावीरी गुजरात में, और अधिचनालूरू ये है आपका तमिलनाडु में। ये 5 जगह जो आपका कि वहीं पे म्यूजियम बनेगा, ये आर्कियोलॉजिकल साइट है, मतलब यहीं से मतलब जो पुरातत्व के हमारी हिस्ट्री के बहुत चीज़ें मिलती हैं वो यहीं से मिली हैं। तो इन 5 जगह जो आपका हमें
म्यूज़ियम इस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी पूछ सकता है कि ट्राइबल म्यूज़ियम कहाँ पे प्रपोज किया गया बजट में, तो वो प्रपोज किया आपका रांची में प्रपोज किया गया, मतलब ये कहाँ पे है, झारखंड की राजधानी है। अगला पूछ सकता है कि मैरिटाइम म्यूज़ियम कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो ये लोथल में इस्टेब्लिश किया जाएगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि टैक्स पेयर चार्टर क्या है, तो टैक्स पेयर चार्टर क्या है कि जो टैक्स लोग देते हैं उनका किसी तरह का हरेसमेंट ना हो, उसको इफ़िशेंटली यूज मतलब इफ़िशेंटली उनके साथ ट्रीट किया जाए, तो इसके लिए टैक्स चार्टर लाया जाएगा कि इसको एक लीगल स्टेटस भी दिया जाएगा, जिससे क्या होगा जो टैक्स कलेक्टर मतलब कलेक्ट करने वाले होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल का हरास ना करें। उसके अलावा नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसी भी प्रपोज करेगी, ये इसके क्या होगा, ये नॉन गजेटेड पोस्ट के लिए एग्जाम करवाएगी, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी किस चीज़ के लिए प्रपोज करेगी ये, तो ये नॉन गजेटेड पोस्ट जो होती है गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर बैंक में उसके लिए इस्टेब्लिश करी जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारा G20 पहले तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तो यही है कि जो हमारा 2020 में 2022 में G20 की कौन मतलब कहाँ पे होगा ये, तो ये इंडिया में होगा और इसके लिए बजट में जो हमारा 100 करोड़ रुपीज़ प्रपोज किया गया है। और अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है ये है, जो आप अपना डिपॉजिट करते हैं बैंकों में उस पर क्या होगा, एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करा जाता है कि आपका यदि बैंक डूब जाता है तो आपको इतना इंश्योरेंस मिलेगा, तो अब इसकी सीमा जो है वो बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है, यदि बैंक डूबता है तो आपको 5 लाख रुपीज़ मिलेगा, आपका इंश्योरेंस है इतने रुपये का, ठीक है। तो ये पूछ सकता है कि आपका कितने मतलब जो इंश्योरेंस जो डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के अंतर्गत आपका कितने रुपए तक का इंश्योरेंस है, तो 5 लाख का इंश्योरेंस है डिपॉजिटर्स के लिए। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से बैंक का प्राइवेटाइजेशन और के लिए प्रपोज किया गया है, तो कौन सा बैंक का प्राइवेटाइजेशन के लिए प्रपोज किया गया बैंक में, ये IDBI के लिए प्रपोज किया गया। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है PT के हिसाब से या वनडे एग्जाम के लिए जो एग्जाम होता है उसके लिए, ये है कि आपका जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसकी लिमिट बढ़ा दी गई कॉरपोरेट बॉन्ड्स में 15% तक, पहले कितनी थी ये 9% थी, तो इससे क्या होगा हमारा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। तो पूछ सकता है कि कॉरपोरेट बॉन्ड में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट तक हो सकता है, तो याद रखिएगा ये हो सकता है आपका 15% तक। उसके अलावा ये पूछ सकता है कि कौन सी बॉडी का गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि गवर्नमेंट इसके IPOs मतलब आपका उसे शेयर मार्केट में उतारेगी, मतलब एक तरह से काफ़ी हद तक बेचने की बात करी जा रही है उसे, तो किसके ऊपर बेचने की बात कर रही है, LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। उसके अलावा ये चीज़ याद रखिएगा कि कितने से कितने ये टैक्स स्लैब कितने पे कितना आता है, तो 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं आपका, 2.5 लाख से 5 लाख तक आपका कितना टैक्स है, 5% होगा न्यू टैक्स में, और 5 से 7.5 तक 10%। और यदि आप भूल भी जाए ना तो एक काम याद रखिएगा कि 0 से 2.5 तक कुछ नहीं होगा, फिर उसके बाद 2.5 से 5 तक अपने आप ही लिखते चले जाइएगा, इसमें क्या है 2.5 2.5 बढ़ाते चले जाइएगा इधर की साइड में, और इधर की साइड में भी 5 5 बढ़ाते चले जाइए, 2.5 से 5 तक कितना होगा 5, इसके अलावा फिर 5 से फिर 2.5 बढ़े तो कितना हो गया 10 हो गया, इस इधर 7.5 से 10 तक कितना होगा 15%, तो इसमें 2.5 2.5 बढ़ाना है, इसमें 5 5, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा कि किसमें कितना। तो यदि आपका 15 लाख से अबव इनकम है तो इस पर लगेगा 30%। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आपका जो डिविडेंड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था उसको रिमूव कर दिया गया है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स क्या होता है, जो आपका इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं किसी कंपनी में, तो उनको डिविडेंड दिया जाता है कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा तो उस पर डिविडेंड दिया जाता है, तो उस पर जो टैक्स लगता था उसको हटा दिया गया। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से टैक्स को इस बार बजट में हटा दिया गया, तो कौन से टैक्स को हटा दिया गया आपका, ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को हटा दिया गया। उसके बाद हमारा कोई अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये विवाद से विश्वास स्कीम क्या है, तो ये आपकी स्कीम है कि आपका जो आपके जो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स की जो लिटिगेशंस पड़ी हुई है बैंकिंग मतलब गवर्नमेंट के पास, उसमें तो काफ़ी सारी लिटिगेशंस पड़ी हुई हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ जो आपका जितने आपके ऊपर मतलब आपका टैक्स था सिर्फ वो दे दो, आपको पेनल्टी और इस आपके ऊपर इंटरेस्ट जो लगा हुआ है उस पेनल्टी के मतलब जो आपका
टैक्स था वो नहीं देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, पूछ सकता है कि विवाद से विश्वास स्कीम किस चीज़ के लिए है। तो ये है कि जो आपका ये लिटिगेशन रिड्यूस कर, तो पहली बात याद रखिए इनडायरेक्ट टैक्स के लिए है, डायरेक्ट टैक्स के लिए नहीं है। तो आपके जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए है, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, आपको इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी, जितना आपका मेन टैक्स बन रहा था सिर्फ आप वही दे दीजिए। और फिर बजट में कुछ हमारा जो इकोनॉमी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे उन्होंने, तो बताए थे कि हमारे जो इकोनॉमी है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसके अलावा ये बताया था अगला फैक्ट एक इम्पोर्टेंट, कि अबाउट 271 मिलियन पीपल्स को हम लोग पॉवर्टी से आउट कर चुके हैं 2006 से 16 के बीच में। और याद रखिएगा कि हमारा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है अब तक का सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे ये जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर भी था उसमें आया है। लेकिन इसमें ये पीरियड के हिसाब से दिया गया है कि इतने 14 to 19 के बीच में इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, और इसके बीच में 9 to 14 के बीच में 190 मिलियन विलियन सॉरी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। उसके अलावा कुछ ये भी पूछ लेता है कई बार कि हमारी सब्सिडीज जो है वो कहाँ कहाँ पर जा रही है। हमने देखा था अभी 6% हम लोग अपना सब्सिडी में चला जाता है, तो सबसे ज़्यादा सब्सिडीज किसके लिए होती हैं, फूड के लिए, फिर फर्टिलाइजर्स, उसके बाद फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, फिर इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो टैक्स आते हैं उसमें जो उसमें डायरेक्ट टैक्स का और इनडायरेक्ट टैक्स का कितना कंट्रीब्यूशन, तो देख सकते हैं हम लोग टोटल जो हमारा टैक्स रिसिप्ट है जीडीपी का वो 10.8% है हमारा जो टैक्स है। उसके अलावा डायरेक्ट टैक्स कितना है 5.9 और इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 4.9। ओके थैंक यू। ये इस वीडियो में हम लोग जो भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे पीटी के हिसाब से स्टेट पीसीएस के या फिर जो आपके वनडे एग्जाम होते हैं उसके लिए हमने इसमें डिस्कस किए। और आप इस वीडियो का जो इस पीडीएफ का जो हिंदी वर्जन है वो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके थैंक यू।